भाई जब भी ऐसा फेस स्मूथ करते हो तो आप लोग से भाई ऐसा फेस स्मूथ नहीं होता है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं कितना अच्छा अपने फेस को यहाँ पे स्मूथिंग किया हूँ। तो मैं भाई ना आप लोग को आज भाई आप लोग को भाई यही सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे अपने फेस को भाई हाई क्वालिटी में स्मूथ करेंगे। तो भाई आप लोग यहाँ पे भाई लाइव प्रूफ देख सकते हो कि मैं कितना हाई क्वालिटी का फेस अपना स्मूथिंग किया हूँ। तो इतना हाई क्वालिटी का फेस स्मूथ अगर आप लोग को करना है तो भाई आप लोग को ना भाई ऐसा हाई क्वालिटी का फेस स्मूथिंग करने के लिए आप लोग को भाई ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप लोग को ना भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना हाई क्वालिटी में अपने फेस को यहाँ पे स्मूथिंग किया हूँ। तो इतना हाई क्वालिटी का फेस स्मूथ करने के लिए आप लोग को अपना सिंपल फ़ोटो ले लेना है। तो मैं भाई यहाँ से अपनी गैलरी में आता हूँ और भाई ना गैलरी में आने के बाद आप लोग को भाई यहाँ से अपना सिंपल फ़ोटो ले लेना है। तो मेरा सिंपल फ़ोटो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरा सिंपल फ़ोटो यहाँ पे ये रहा। और मैंने भाई बस इसी फ़ोटो को लेके भाई कुछ इस टाइप से फेस स्मूथ और अपने फ़ोटो को भाई यहाँ पे वाइड भी किया है। तो आप लोग को भाई ऐसा फेस गोरा करना और फेस स्मूथिंग करना मैं आप लोग को सिखाऊँगा। तो भाई ऐसा फेस गोरा करने के लिए और भाई फेस अपना स्मूथिंग करने के लिए आप लोग को ना अपना सिंपल फ़ोटो ले लेना है। और भाई सिंपल फ़ोटो लेने के बाद आप लोग को सेंड करना है ऑटोडेस्क स्केच बुक में। तो आप लोग जैसे अपने फ़ोटो को भाई स्केच बुक में सेंड करेंगे तो आप लोग का फ़ोटो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई फ़ोटो मेरा यहाँ पे स्केच बुक में आ चुका है। और फ़ोटो आने के बाद ना आप लोग को भाई पहले मैं सिखाऊंगा आप लोग को अपने फेस को भाई स्मूथिंग करके। तो भाई इस फेस को स्मूथ करने के लिए आप लोग को ना यहाँ से क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पर। तो आप लोग को भाई सिंपली सा इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को आना है नीचे। और नीचे आने के बाद ना आप लोग को भाई यहाँ से लेना है इस ब्रश को। तो भाई मैं आज ना आप लोग को सिखाऊंगा भाई कुछ नए ब्रश से अपने फेस को स्मूथ करना। तो आप लोग भाई जैसे भाई इस ब्रश को लोग ना भाई ले लोगे ना तो भाई इस ब्रश को लेने के बाद आप लोग भाई इसका भाई सेटिंग यहाँ से देख सकते हो कि मैं भाई इस ब्रश की भाई सेटिंग कितना रखा हूँ। और भाई ब्रश लेने के बाद आप लोग भाई सेटिंग भाई कुछ इतना रख के अपने फेस को भाई स्मूथ कर सकते हो। तो भाई सेटिंग इतना रखने के बाद आशा करो तो भाई आप लोग सेटिंग भाई इतना रख लिए होंगे। और सेटिंग इतना रखने के बाद ना आप लोग को करना है कट। और कट करने के बाद आप लोग अपने फ़ोटो को करेंगे जूम। और फ़ोटो को जूम करने के बाद जैसे ही आप लोग भाई ब्रश को अप्लाई करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ब्रश को अप्लाई करते ही मेरा फेस यहाँ पे ना भाई स्मूथिंग हो रहा है। तो मैं भाई ना ऐसे ही अपने फेस को भाई यहाँ पे ना स्मूथिंग करता हूँ। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मात्र भाई वन क्लिक में मैं आप लोग के सामने भाई वन क्लिक में अपने फेस को यहाँ पे स्मूथिंग कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि भाई मेरा फेस भाई यहाँ पे ख़राब है। तो मैं भाई जैसे भाई ब्रश को यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए भाई ब्रश को अप्लाई करते ही मेरा फेस यहाँ पे भाई स्मूथ हो रहा है। तो आप लोग भाई ऐसे भाई आसान तरीके से आप लोग भाई ना ऐसे अपने फेस को आप लोग भी स्मूथिंग कर सकते हो। बस आप लोग को भाई इस वीडियो भाई पूरा लास्ट तक आप लोग को देखना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अपने फेस को यहाँ पे स्मूथिंग कर लिया हूँ। तो भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि भाई मेरा यहाँ मतलब भाई मेरा यहाँ पे स्मूथ नहीं है और यहाँ पे स्मूथिंग है। तो आप लोग को भाई दोनों फ़र्क दिख रहा होगा भाई यहाँ पे मतलब भाई यहाँ पे स्मूथिंग नहीं है और यहाँ पे स्मूथ है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि भाई यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है और भाई यहाँ पे कितना ख़राब लग रहा है। तो भाई इतना आप लोग भाई समझ गए होंगे कि कैसे आप लोग अपने फेस को स्मूथ करेंगे। तो भाई इतना होने के बाद अब आप लोग को भाई यहाँ से ना अपने फेस को भाई गोरा करना है। तो भाई आप लोग को ना अपने फेस को भाई यहाँ से गोरा करने के लिए आप लोग को यहाँ से भाई लेना है डबल लेयर। और भाई डबल लेयर आप लोग को ना लेके आप लोग को रखना है सॉफ्ट लाइट। और भाई सॉफ्ट लाइट आप लोग को रख के ना आप लोग को करना है कट। और अब आप लोग को भाई यहाँ से लेना है यहाँ से कलर। तो कलर पे आके आप लोग को भाई कलर यहाँ से रखना है वाइट। और वाइट रखने के बाद आप लोग को करना है कट। और कट करने के बाद आप लोग को ना यहाँ से आना है ब्रश वाले ऑप्शन पे। और ब्रश वाले ऑप्शन पे आके आप लोग को यहाँ से लेना है एक ब्रश। तो मैं नीचे आता हूँ और इस ब्रश को भाई ले लेता हूँ। और भाई इस ब्रश को लेने के बाद ना भाई इस ब्रश को लेने के बाद करता हूँ कट। और कट करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं कितना हाई क्वालिटी में भाई मात्र वन क्लिक में अपने फेस को आप लोग के सामने भाई गोरा कर रहा हूँ। तो मैं भाई ना अपने फेस को भाई ऐसे ही गोरा करता हूँ। और आशा करता हूँ आप लोग भाई पूरा लास्ट तक आप लोग भाई वीडियो देख लिए होंगे और आप लोग भाई सीख गए होंगे कि फेस स्मूथ कैसे करना है और फेस वाइट कैसे